हे गाइस, कैसे हो तुम सब लोग? लुक इनसाइड में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे इस कीबोर्ड का और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या रहता है। तो फिर चलिए पोस्टमार्टम शुरू किया जाए। सो गाइस, ये एक TVS कंपनी का USB कीबोर्ड है। USB क्योंकि इसका जैक कुछ इस तरह का दिखता है, इसीलिए इसे USB कीबोर्ड कहा जाता है। चलिए मैं अब इसे खोलने जा रहा हूँ। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 स्क्रू है और इन सब स्क्रू को खोलने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको स्किप करने वाला हूँ। इसके लिए आपको इस वीडियो को स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ये 15 स्क्रू खोल के आपको ये अंदर का हिस्सा दिखाऊंगा। तो चलिए, ये स्क्रू मैंने सब खोल दिया, अब मैं आपको इस कीबोर्ड का अंदर का हिस्सा दिखाने वाला हूँ। तो लीजिए, ये कीबोर्ड का पिछले का हिस्सा है और ये इसका स्टैंड है, इसमें कोई स्प्रिंग नहीं लगा रहता। ये कुछ अलग किस्म का मैकेनिज्म है, क्लिप वाला। चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। अब देखिए, ये एक रबर है। इस सर्किट को इस वाले सर्किट से अटैच रखता है और ये है हमारा असली का सर्किट, प्लास्टिक से बना हुआ। और ये सब रबर का बना बटन है। जो क्या होता है ये आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए, यहाँ पे एक ऊंची एक चीज़ बना हुआ है रबर का, जिससे क्या होता है, आप इसे प्रेस करने से, इस तरह आप इसे प्रेस करने से ये नीचे आता है। और ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉट आपस में लग जाता है, प्रेस हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको आपके क्या कहूँ, CPU में कमांड जाता है और तभी उस वाले बटन प्रेस हुआ ये दिखाता है। अब देखिए, ये कुछ इस तरह का बना हुआ रहता है। यहाँ पे एक डायग्राम वाला प्लास्टिक सर्किट है। ये एक नॉर्मल सा प्लास्टिक है जिसमें कोई भी डायग्राम नहीं बनाया हुआ है। और ये एक नीचे दूसरा प्लास्टिक सर्किट है, डायग्राम बना हुआ, जो कि कुछ चीज़ों से अटैच किया हुआ है, शायद हीट देके। ओके, ये देखिए, मैंने इसे अलग कर लिया। पूरा एक डायग्राम बना हुआ रहता है इस तरह का। और ये है बीच वाला प्लास्टिक। देखिए, मैं आपको ये भी खोल के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है बीच वाला प्लास्टिक और इसमें आपको कोई डायग्राम नहीं दिखेगा। और ये है ऊपर वाला प्लास्टिक जिससे बटन्स अटैच रहता है इस तरह का, और इसमें भी आपको डायग्राम दिखने को मिलेगा। बस अब देखिए, ये है छोटा सा सर्किट जो कि उस कीबोर्ड के डायग्राम वाले से अटैच रहता है। नहीं निकल रहा है, ये देखिए। और यहाँ से 4 तार जाते हैं, वायर,
रंग बिरंगी, जो कि वायर से होते हुए यूएसबी तक जाते हैं और आपके डिवाइस में लगते हैं। और इससे ज़्यादा इसमें आपको और कुछ भी नहीं दिखने को मिलेगा। और ये जो चीज़ है, ये तीनों लाइट है, जब आप कैप्स लॉक दबाते हैं तो एक ग्रीन कलर का लाइट आप देख सकते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर, और जब आप नंबर लॉक या फिर और भी कुछ है स्क्रॉल डाउन, ये सब उन सब चीज़ों का लाइट है ग्रीन कलर का और कुछ नहीं। अगर मैं ये यूएसबी अगर अपने डिवाइस पे लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जलेगा, बस इसमें और इससे कुछ भी नहीं है। इसे भी हम साइड पर रख देते हैं। अब देखिए ये कुछ इस तरह का कीबोर्ड, ये है असली का की, जो कि यहाँ से सब क्लिप की तरह लगा हुआ है। देखिए ये सब की। अब मैं आप लोगों को ये सब भी निकाल के दिखाऊंगा। देखिए इसे उंगली से प्रेस करके आप बाहर ला सकते हैं, पर ये अभी नहीं हो रहा है तो मैं स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करूंगा। देखिए इस तरह से ये देखिए बाहर आ गया ये की। अब इसी तरह से मैं बाकी की को भी बाहर निकालूंगा आपको दिखाने के लिए, तो मैं इसे भी स्किप करने वाला हूँ। आपको स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो चलिए स्किप कर देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था, मैं वीडियो को स्किप करते सभी की आपको निकाल के दिखाऊंगा, सिवाय कुछ की के, क्योंकि ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखता है और इसमें काफ़ी धूल मिट्टी है और काफ़ी कागज़ के टुकड़े। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैल। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सभी की निकाल के दिखाऊंगा स्किप करके, तो लीजिए ये सब एक कंप्लीट कीबोर्ड का की है, पर मैं आपको कुछ की आपके सामने निकाल के दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि इंटर, शिफ्ट, ये कर्सर और ये दूसरा वाला शिफ्ट, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग किस्म का चीज़ रहता है इसे स्टेबल रखने के लिए। तो लीजिए ये रहा शिफ्ट, और देखिए इसके नीचे कुछ इस तरह का बना हुआ रहता है इस तरह का, और की के पीछे आपको एक छोटा सा वायर मिलेगा दिखने के लिए, जो कि ये इस तरह का लगा हुआ रहता है की को स्टेबल रखने के लिए इस तरह का। और इसी तरह का बाकी की पे भी ठीक वैसे ही चीज़ लगा हुआ रहता है। देखिए इस एंटर पे दो लगा हुआ रहता है इस तरह का, और यहाँ पे भी एक शिफ्ट है, इसमें भी शायद एक ही चीज़ लगा हुआ रहता है, ये देखिए इस तरह का। और ये है हमारा कर्सर स्पेस बार, इसमें लंबा सा एक वायर लगा हुआ रहता है इस तरह का, सेम वायर, सिर्फ इसका लेंथ लंबा है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये एक नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर 104 कीज रहता है बस। चलिए इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं है आपको दिखाने के लिए, तो मैं आपको ये सब समेट के दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा डायग्राम, ये रहा हमारा डेटा केबल बस, और कुछ डायग्राम नीचे गिरा हुआ है और कुछ कीज़ भी नीचे गिरा हुआ है। तो सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये पूरा पोस्टमार्टम आप लोगों को अच्छा लगा
तो एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का और भी पोस्टमार्टम वाला वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस करके। और हाँ, बगल में जो बेल का आइकॉन है उसे दबाना भी मत भूलना, क्योंकि मैं जब भी कोई नया पोस्टमार्टम वाला वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप लोग को पता चल जाए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।